ब्राह्मण बनने के 5 लक्षण हैं। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने में प्रवीण, 7 पुष्टों से रक्त की शुद्धता, अच्छा ज्ञान, अच्छा कर्म। इन 5 गुणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होने चाहिए और इनमें से किसी भी गुण के अभाव में क्या वो सच्चा ब्राह्मण हो सकता है? अंत के 2 गुण, अच्छा ज्ञान एवं अच्छा कर्म। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने की प्रतिभा, 7 पीढ़ियों से रक्त की शुद्धता आवश्यक नहीं। क्षमा कीजिएगा, परंतु सोमदत्त जी उचित उत्तर नहीं दे पाए। बुद्ध के प्रश्नों ने इन्हें उलझा दिया है। ये तो ब्राह्मणों का अपमान है। आदरणीय सभागण, यदि आप सौंदर्य में आस्था रखते हैं तो कृपया कर शांत हो जाइए, उन्हें अपनी बात कहने दें। यदि आप उनमें आस्था नहीं रखते तो आप में से जो चाहे इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मित्रों, हम सबके बीच में मेरा चचेरा भाई अंगक बैठा हुआ है। अंगक रूपवान है, उसका आचरण कुलीन और उत्कृष्ट है। उसके बाह्य सौंदर्य की बराबरी केवल भिक्खु गौतम के साथ ही की जा सकती है। 2 परिवारों के रक्त की शुद्धता उसके अंदर बह रही है। वेद पाठ का ज्ञानी है, ये 3 गुण तो उसमें है। पर यदि विचार के रूप में देखें कि अंगक मदिरापान करता है, हत्याएं करता है, बलात्कार करता है, झूठ बोलता है, चोरी भी करता है, तो उसके बाकी के गुणों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। अतः मित्रों, सदकर्म और ज्ञान ही सर्वोपरि है पूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए। इन दोनों गुणों में से भी सर्वोत्तम गुण आप किसे समझते हैं? सदकर्म और ज्ञान 2 नहीं हो सकते। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को और एक पैर दूसरे पैर को साफ करता है, उसी तरह सदकर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। सदकर्म आपके विवेक को प्रकाशमान बनाता है और विवेक से किया कर्म आपको धार्मिक बनाता है, और यही जीवन का गूढ़ मंत्र है। उत्तम, अति उत्तम सोमदन, आप हमारी आशा पे खरे उतरे। बुद्ध, अब आप बताएं कि हमारे परम विद्वान सोमदन से आप क्या पूछना चाहते हैं? सत्य कहा सोमदंडे आपने, सत्कर्म और ज्ञान जीवन के सबसे मूल्यवान गुण है। क्या आप बताएंगे कि सत्कर्म और ज्ञान को उच्चतम कोटि तक कैसे विकसित किया जाए? करुणा निदान,
इस विषय में आप ही हमारा मार्ग निर्देश करें। हम तो केवल सिद्धांत जानते हैं, किंतु आप बुद्ध बन परम सत्य को प्राप्त हुए हैं। हे परम पुरुष, आप ही बताएं, सद्कर्म और ज्ञान की उच्चतम कोटि तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आत्ममुक्ति के तीन चरण, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। यदि हम शीलों का आचरण करते हैं तो ध्यान साधना में वृद्धि होती है और ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण करना संभव होता है। इसके द्वारा काम, क्रोध, मोह, माया, तृष्णा से दूर हो आत्ममुक्ति, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। करुणा निधि, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले आए। हे परम पुरुष, मुझे आप आपकी शरण में ले ले, मुझे इस संग की शरण में ले ले परम पुरुष। गेम में आगे रहना है, सामने